तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिजन एचएस। मैं हूं आपका दोस्त हुजाफा सिद्दीकी, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो आज 28 मई है 2023। तो आज जो मई के जितने भी संडे होते हैं सबसे लास्ट वाला संडे है, और लास्ट संडे को आज हमारा कबूतर उड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर टाइमिंग दिखा रही है, 5:48 हो रहा है और इस टाइम हमारे कबूतरों को मोहर लग रही है। तो आप लोग देख सकते हैं ये मोहर लगने की वीडियो है। तो आप लोग इस टूर्नामेंट को लास्ट तक देखिएगा। हमारा एक लास्ट कबूतर बैठा है 3:17 पे, बहुत ही अच्छा कबूतर उड़ा है और बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप लोग देखिए वीडियो को। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमारे कबूतरों को मोहर लग गई है और ये सब सारे कबूतर अब बाहर निकल रहे हैं, इनको उड़ाया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वाइपर कहाँ है यार? वाइपर नीचे नीचे संडे आज तो गया ना, तो निशान चार मारा है। लो संडे तो हो रहा है। अरे यार लो चलेंगे। हाँ अब तो आराम किया हुए। कहाँ जा रही इधर? अरे नहीं वैसे नहीं बन लूँगा। अबे रहने दो, हमारे भी खुले उड़ जाएंगे यार। तो भाई लोग देखिए यहाँ पे 10:37 हो गया है, जिसमें से हमारा एक कबूतर ऊपर से खुल के आया है, गर्रा जरचा कबूतर। देखिए आप लोग, एक कबूतर हम लोगों का क्रॉस नहीं हुआ है। टोटल हमारे 11 कबूतर बैठे थे, एक कबूतर हम लोगों का 9:14 पे भूरी जरची कबूतर बैठ गई, और अभी हमारे 10 कबूतर आसमान में, जिसमें से सिर्फ एक यही कबूतर गर्रा जरचा कबूतर बैठ रहा है। आप लोग देखिए इसको। सुबह से ऐसा कई बार कर चुका मादा चाहिए आपके पास हो, या कहीं भी हो, किसी भी से भी हो, ठीक है? पैसे उसके और कबूतर हमारा नहीं, छोटी चाहिए। हाँ बस इंशाल्लाह, इसीलिए मैंने कह दिया। वो एक हमारे बहुत ख़ास मिलने वाले हैं इलाहाबाद के, और नई दोस्ती लाई है, और जब बातचीत ज़्यादा आगे बढ़ी तो कुछ मुझे कहाँ के रहने वाले हैं क्या हैं, जब ये सब बात बढ़ी तो हमारे वहाँ रिश्तेदारी आ गई। हाँ वो हमने बताया था ना, मामू की लड़की हमारी जो है वो डॉक्टर से शादी हुई है, तो डॉक्टर साहब का ट्रांसफर हो गया इलाहाबाद। 10:38। तो भाई लोग ये एक पहला कबूतर है जो 10:38 पे पहला कबूतर हमारा बैठा, और अभी 9 कबूतर आसमान में हैं। तो आप लोग देख सकते हैं गर्रा कबूतर को। तो ये हमारे उस्ताद बैठे हुए हैं राजा भाई, जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं ग्रीन कलर की शर्ट में। तो यहाँ पे शारिक भाई लेटे हुए हैं, ये लेट कर ही कबूतर को पूरा आसमान से दिखा देते हैं हमारे शारिक भाई। बहुत ही ख़तरनाक हैं ये, बहुत ही ज़्यादा। ये अनस भाई हैं हमारे, और ये लड़का है बउआ। हसन मंजिल में वो गुड्डू भाई को जानते, बेटा अगर ये कबूतर बैठ जाएगा कल तुम्हें बैठ जाएगी।
वो तो रहेंगे दोनों भाई। उससे उससे पहले मगर वही बैठ गया कल दूं में ये रहेंगे काफी। अरे मैडम वो मिश्रा डॉक्टर मिश्रा से बात कर लिए, कॉल आ रहा उनका, एक बार हम उनको अपडेट दे दिए क्या है ड्राइंग का। हमने बोला था कि कंपनी से बैठ गई है कल दूं में जोड़े वाली बैठी 12-5 दोनों 12-5 दो कबूतर 12-5 पे। तो भाई लोग देखिए आप लोग, ये दो कबूतर हमारे बैठे थे 12:05 पे। एक कल्दुमी कबूतरी है और एक कल्दुमा गहरा जरचा कबूतर है। और देख सकते हैं दो कबूतर और मेरे आसमान से खुले हैं और आ रहे हैं। टाइम हो रहा है 12:27। काला पोटा नहीं बैठने देगा। शारिक भाई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भाई कुछ बोल दीजिए। नहीं, ऊपर से दो आ रहे हैं। तीन कबूतर हमारे क्रॉस होके बैठ गए, जिसमें से ये चौथा कबूतर हमारा बैठ रहा है खौरही जर्ची। देख सकते हैं आप लोग कितनी ही बढ़िया से पर चला के कबूतर आ रहा है। और 12:28 हो गया, ये चौथा कबूतर बैठेगा, इसके बाद हमारे 6 कबूतर आसमान में रह जाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग ये बैठी चौथी कबूतर, ये हमारा काला पोटा पांचवा कबूतर आसमान से खुल के आ रहा है। 12:35 टाइम हो गया है और ये कै बजे बैठेगा ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ये बैठा ये बैठा 12:36। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बेदाग कबूतर हमारा खुल के आया, ये हमारा छठा कबूतर है। ये कबूतर बैठ जाएगा, इसके बाद हमारे 4 कबूतर और आसमान में रह जाएंगे। तो आप लोग देखिए ये बेदाग कबूतर उतर रहा है, बेदाग मादा है। जो मादा है उसको हम लोगों ने दोनों तरफ रंग लगाया है और जो नर कबूतर हैं उनको एक तरफ रंग लगाया है। इससे क्या होता है कि पहचान हो जाती है बहुत ही अच्छे से। तो आप लोग देखिए इस वीडियो को और इस कबूतर को भी। टाइम देखो भैया, अभी नहीं बैठी है। देखो ना भाई, इधर देख ऊपर जाल पे नहीं बैठी है, बैठी अभी भी नहीं बैठी है। यार इतना थोड़ी ना वो करेगी, लग रहा बहुत दम है अभी भी। तो देख सकते हैं आप लोग यही बेदाग कबूतर है जो बैठी है 12:52 पे। तो आप लोग देखिए ये बेदाग कबूतर मोतीचूर है, इसको हम लोगों ने जो रिंग पहनाई है वो 24 नंबर है, तो इसलिए इसका नाम है बेदाग मादा 24 नंबर। तो देख सकते हैं आप लोग, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा 7वां कबूतर खुला। इसके बाद अब हमारे 3 कबूतर रह जाएंगे। ये हमारा कल्दुमा कबूतर बैठ रहा है 98 नंबर कड़ी। तो आप लोग देख सकते हैं अब इसके बाद हमारे 3 कबूतर और आसमान में रह जाएंगे। और वो तीनों कबूतर हमारे दिख रहे हैं, तो आप लोगों को वीडियो में हमारा सारा कबूतर आता हुआ दिखेगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखिए और वीडियो को एंजॉय करिए। ये देखिए ये आया 1:22। तो ये कल्दुमा कबूतर 1:52 पे जो बैठा है वही वाला कल्दुमा कबूतर है। देखिए कितने ही शानदारी से बैठा है माशाल्लाह कबूतर। तो अब हमारे 3 कबूतर रह गए, जिसमें से एक ये कबूतर आ रही है रंगीन निसौरी कबूतर। तो देख सकते हैं आप लोगों को ये कबूतर हमने चमक से ही दिखा दिया पूरा। देख सकते हैं एकदम जब छोटी सी एकदम टिक्कुल जैसी थी, आप लोगों को हम पूरा बैक करके दिखा रहे हैं। देखिए आप लोगों को जब हमने छोटा किया होगा तो आप लोगों को दिख रही होगी एकदम बिंदी सी। तो हमने ये कबूतर आप लोगों को पूरा जूम करके दिखाया अच्छे से। देख सकते हैं आप लोग कितनी ही बुलंदी पे कबूतर उड़ रही है। देख सकते हैं आप लोग ये रंगीन निसौरी कबूतर है। देखिए आप लोग अब इसकी उड़ान देखिए कैसे बैठ रही है, सब आप लोग देखिए, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को इसकी उड़ान देख के। करके बाद 300 उत्तर चार गोरी का दारी नगर से दोबारा ना। अरे आज क्यों
बैठी नहीं, दो चार। तो देखिए आप लोग, यही रंगीन कबूतर है जो 2:04 पे बैठी। हमारा जो जज था उसको बहुत ही देखने का शौक था, तो वो भी छत पे आए देखने के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग, अब ये हमारा एक कबूतर और आ रहा है, इसके बाद हमारा सिर्फ एक कबूतर और रह जाएगा। ये कल्दुमा जरचा पट्ठा वही जो पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा टूर्नामेंट में, 3 कली का था तभी उड़ रहा था, ये वही वाला बच्चा आ रहा है। तो आप लोग अब इसकी भी उड़ान देखिए, बहुत ही प्यार से आराम से देखते रहिए आप लोग। तो भाई लोग, अब मेरा एक लास्ट कबूतर रह गया, आप लोग देख सकते हैं ये कल्दुमा कबूतर। टाइम हो रहा है 2:50 और ये ऊपर नीचे इतना ज़्यादा कर रहा है कि बार बार पलट जा रहा है कबूतर। तो देखिए 2:50 पे दिखा था, अब ये 3:17 पे ये कबूतर बैठ रहा है। अब ये थोड़ा नीचे हुआ है और क्या करता है ये सब देखते रहिए आप लोग। ये आया, ये ऐसे ही रेंगता ही रह जा रहा था बहुत देर तक, तो आप लोग देखते रहिए इसको। बैठो, नहीं बैठा, नहीं बैठा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, देखेंगे तो यार। 3:17 तो जब ये हमारा कबूतर बैठा 3:17 पे, तो आप लोग देख सकते हैं ये नीचे भी कुछ लोग खड़े थे, कुछ लोग ऊपर छत पे आ गए, देख सकते हैं आप लोग भीड़। तो ये हमारा कबूतर 3:17 पे बैठा, हमारे सारे कबूतर आ गए, हमारा ये आखिर कबूतर बैठा है 3:17 पे। तो ये शारिक भाई इसको अंदर बंद कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो अब आप लोगों को हम पर्चा भी दिखा देंगे, पर्चा भी दिखा क्या देंगे, हमने लास्ट में फ़ोटो भी पोस्ट कर रखी है पर्चे की, तो वो पर्चा भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है क्या चीज़ कैसे हो गई, क्या कैसे हुआ, सब अपना आपस में बातें चल रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये है एक पर्चा करनलगंज का, जो बबलू भाई जो इस क्लब को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कबूतर का टाइमिंग देख सकते हैं, सिर्फ एक कबूतर हम लोगों का 9:14 पे भूरी जर्सी कबूतर बैठ गई। तो ये हमारे करनलगंज का पर्चा है। इसके बाद आप लोगों को एक सुजातगंज का पर्चा है, उसको भी हम दिखाएंगे। उसमें 7 कबूतर उड़े थे और जो करनलगंज वाला था इसमें 11 कबूतर उड़े थे, 11 कबूतर में हमारे 10 कबूतर क्रॉस हुए। और जो हमारे 7 कबूतर वाला पर्चा है देख सकते हैं आप लोग, ये है 7 कबूतर वाला पर्चा, इसमें हमारे 6 कबूतर पार हुए। जो भूरी जर्सी कबूतर थी वो 11 में भी थी और 7 कबूतर में भी थी, तो वो बैठ गई, तो इस वजह से 7 कबूतर में भी कबूतर बैठ गया एक हमारा और 11 में भी एक। तो आप लोग देखिए भूरी जर्सी जो है वो 9:14 पे बैठी और बेदाग कबूतर एक थी वो बैठी 12:52 पे। तो जो जज आए थे हमारे यहाँ उन्होंने गलती से ऊपर नीचे कुछ कर दिया होगा, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें क्रॉस है, वो हमने इन्फॉर्मेशन कर दी थी जो क्लब ऑनर थे।